तो आप लोगों का अखरोट वगैरह लेना है, अच्छे अखरोट वगैरह लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, मतलब नो डाउट आपको। तो चलिए गाइस आपको दिखाता हूँ कटरा का फेमस कुलचे वाला, जो कि गाइस कटरा मेन चौक से 5 to 7 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और गाइस इसका नाम है बद्री कुलचे वाला। हाँ, उसको मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वो यहीं पे है। हाँ, यहाँ मतलब पत्नीटॉप से आगे है, यहाँ से मिनी कश्मीर कहते हैं। भद्रवाह नाम है जगह का, यूट्यूब चैनल पे कहीं भी भद्रवाह के नाम से डाल के आप देख सकते हैं। अच्छा, और बहुत सुंदर जगह है। और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको दिखाऊंगा जम्मू की मार्केट, कहाँ से आप अखरोट वगैरह ले सकते हो, अच्छे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जम्मू वगैरह लोग आते हैं तो वो अखरोट ज़रूर लेते हैं, मतलब अखरोट का प्रसाद बांटने वगैरह के लिए, ऑफिसेस के लिए, अपने घर के लिए, रिश्तेदार वगैरह को देखने के लिए। काफ़ी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ से आप अखरोट वगैरह या फिर प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो आप लोगों का अखरोट वगैरह लेना है, अच्छे अखरोट वगैरह लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, मतलब नो डाउट आपको अच्छी क्वालिटी का ही यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। मेरे को ये पेट प्रमोशन नहीं कर रहा, बट हम काफ़ी टाइम से ले जा रहे हैं यहाँ से, तो हमें कोई शिकायत नहीं आई है, तो आप लोग भी यहाँ से ले सकते हो। पहले इनकी जो ब्रांच थी वो जम्मू में थी, अब इधर भी खुल गई है, मतलब कटरा में भी खुल गई है। लोकेशन वगैरह मैं कहूँगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा ताकि आप लोग यहाँ पर ईजिली पहुँच सकें। बाकी एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खरीद रहे हैं। पापड़ बढ़िया भी गए सबको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो कि जम्मू के बहुत फेमस होते हैं। ये बढ़िया पापड़ है, काफ़ी मतलब वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इन्होंने अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं और काफ़ी अच्छे मतलब वैरायटी मैंने टेस्ट किया, तो मुझे अखरोटों में कोई कम नहीं लगी। अगर आप 350 वाला भी ले रहे हो तो उसके अंदर भी दाना निकलेगा ही निकलेगा, अच्छा दाना निकलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। तो बस केसर लिया हमने, केसर वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। केसर शहद वगैरह लेना है, गोली वगैरह वगैरह लेनी है, इस तरह की आम पापड़ के आपको हर तरह की आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी। ये सारी आम पापड़ की वैरायटी है। ये आपका स्ट्रॉबेरी भी आ गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आम पापड़, ये खट्टा मीठा हो गया। ये इमली का पेड़ा हो गया शायद, ये क्या बोलते हैं चूरन। तो जो ये लोकेशन है इनकी, जो यहाँ पर ब्रांच खुली हुई है, वो अंबिका चौक पर है कटरा में। तो गाइस इसी तरह से कटरा मेन मार्केट में भी आपको ड्राई फ्रूट की, प्रसाद की काफ़ी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रसाद वगैरह ले सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हो। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं था, ये जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। आपको ड्राई फ्रूट्स को जहाँ भी आपको सस्ता मिले, जहाँ पर बेस्ट प्राइस मिले, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए गाइस आपको दिखाता हूँ कटरा का फेमस कुलचे वाला, जो कि गाइस कटरा मेन चौक से 5 to 7 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और गाइस इसका नाम है बद्री कुलचे वाला, जो कि गाइस फेमस है अपने न्यूट्री कुलचा, कलाड़ी कुलचा और छोले कुलचे के लिए। आप यहाँ पर आके ये सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हो और काफ़ी फेमस है यहाँ पर। आप किसी से भी पूछ सकते हो, आपको गाइड भी कर देगा, हालांकि मैंने आपको डिस्टेंस वगैरह बता दिया है। ऐसे तो गाइस आपको काफ़ी कुलचे वाले दिख जाएंगे कटरा में, लेकिन गाइस जो फेमस है वो है बद्री कुलचे वाला, आपको हर कोई जानता है गाइस इनको, और जो भी पुराने बंदे आ रहे हैं वो यहीं पे ही आके खाना एंजॉय करते हैं। और बाकी गाइस जो प्राइजेस रहते हैं वो है छोले वाला 15 रुपये का, न्यूट्री वाला 20 रुपये का, और जो कलाड़ी वाला है वो 40 रुपये का आपको यहाँ पर खाने को मिलेगा। भैया कितने बजे लगा लेते हैं सुबह, मतलब सुबह 8:30 बजे से रात के 10 बजे तक, 10:30 से 10:30 बजे। तो अगर गाइज आप फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ घूमने आए हो, तो गाइज इस तरह से आप लोग अपना आगे का ट्रिप प्लान कर सकते हो वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद। मेरा नाम विशन दास शर्मा है। अच्छा अच्छा, मैं यहीं से, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और हमारा जो बिजनेस है, जहाँ कटरा से हम काम करते हैं, ट्रेवल का काम है हमारा। जैसे मान लो मैं 3 डेज के लिए आया हूँ, तो मैं 3 दिन में मतलब नियर बाय कहाँ घूम सकता हूँ, और मैं वैष्णो देवी तो जाऊँगा ही जाऊँगा, एक दिन तो मतलब अगर 2 दिन बचे तो 2 दिन में, एक दिन में कहाँ क्या क्या हो सकता है? 2 दिन में आपको क्या कह रहे हैं भाई, 3 दिन के लिए आप आ रहे हो, 1 दिन का आपका जो वैष्णो देवी के लिए चला गया, हाँ, आपके पास बच गए 2 दिन। दो दिन के लिए आप शिवखोड़ी जा सकते हैं, जैसे रास्ते में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे 9 देवियाँ गार जी तो ये आता है बीच में। अच्छा, सियाड़ बाबा का दंसल बाबा आता है, चिनाव रिवर आता है हमारा बहुत सारा फेमस है, 5 नदियों में आता है। अच्छा जी, चिनाव रिवर वो भी करवा सकते हैं हम। और अगर उसके बाद आप कहीं पिकनिक स्पॉट पर जाना चाहते हो, जैसे देखो जी अगर शिवखोड़ी जाते हैं तो ये धार्मिक स्टेशन आ गया आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर आप पिकनिक के लिए जाते हो तो आप मानसर लेक पे जा सकते हैं आप। अच्छा, ये मानसर लेक आ सकता है। अच्छा, हमारा अच्छा, ये 1 दिन के लिए है। ओके, हाँ, ये मानसर लेक आया था। अच्छा, ये 1 दिन में कवर हो सकता है। हाँ, ये 1 दिन में कवर होता है, उसके बाद आप 1 दिन में जाके आ सकते हैं, जाके आ सकते हैं। और दूसरा आपके टीवी के पीछे पत्नीटॉप आ रहा है, ये हमारा जम्मू का सबसे हाईएस्ट है ये वाला,
अच्छा पत्नी ढाबे नीचे नथा ढाबा गया, उसके साथ में ये सन्ना सर आ जाता है। हाँ सन्ना सर, ये भी आप एक दिन में कर सकते हो, नाइट स्टे करके भी आ सकते हो। अच्छा, जैसे आपके साथ दो दिन है, आप कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हो, जैसे शिवकोटी में चलना पड़ता है 2 किलोमीटर, कस्टमर चाहता है कि हम चलना नहीं चाहते, हम रेस्ट करना चाहते हैं, मतलब अच्छी जगह, जैसे बाहर से लोग आते हैं, शहर से आते हैं, तो चलते हैं यार थोड़ा सा ना ऐसे कोई जगह हो जहाँ से हमें थोड़ी शांति मिले, ठीक है ना, तो ऐसे आप पत्नीटॉप में जा सकते हो। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि मैं यहाँ पे ना मैं ड्राइविंग करके बैठा हुआ हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात ये है। अच्छा, क्योंकि मैं हर चीज़ को, हर पॉइंट को जानता हूँ, तो मैं मतलब कि बता सकता हूँ कि यहाँ सही है या गलत है, मैं पूरा कस्टमर को बैठा। तो गाइस ये है जय अम्बे टूर एंड ट्रैवल, तो गाइस ये आपको गाइड वगैरह कर देंगे, इस तरह से आप लोग अपना प्लानिंग वगैरह कर सकते हो कि आपको कहाँ पे घूमना है, और गाड़ी वगैरह भी उसी हिसाब से ये अवेलेबल करवा देंगे। जामवाल ड्राई फ्रूट वाले के बिल्कुल अपोजिट में है अगर आप कटरा में हो तो। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं मार्केट में, और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कटरा का बस स्टैंड है, मेन कटरा चौक है, बसेस वगैरह यहीं पे जब भी आती है जम्मू वगैरह से, या फिर अगर आप बाहर लोकेशन वगैरह घूमना जा रहे हो तो आपको यहीं से मिलेंगी। टूर एंड ट्रैवल वाले ऑफिसेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और खाने के तो मल्टीपल ऑप्शन है ही आपको यहाँ पे। कटरा हो गया तो ये एक फेमस मार्केट है, ये पूरी स्ट्रीट ही, यहाँ पर आपको खाने पीने के जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, होटल वगैरह हैं, वो मिल जाएंगे, खाने के ढाबे टाइप जो बने होते हैं, और नॉर्मल शॉप्स भी यहाँ पर बनी हुई हैं बहुत सारी, जहाँ से आप गाइस शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ये देख सकते हो काफ़ी ऑप्शन हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इस तरह से ये पूरी मार्केट बनी हुई है। जैसे बताया कि रैंडम ढाबे पे हमने खाना खाया, प्रेम ढाबा करके नाम है इनका, ये चेकआउट कर सकते हो। आपको मार्केट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी ये वाला ढाबा, और खाना बहुत ही टेस्टी और नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है लिटरली, मतलब दो दिन से बढ़िया खाना नहीं खाया था, तो आपको यहाँ पे मस्ट ट्राई करना चाहिए। कोई प्रमोशन नहीं है, बट इन जनरल आपको एज ए इन्फॉर्मेशन में बताना चाह रहा हूँ। बाकी मुझे आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, मार्केट का एक छोटा सा ब्लॉग था, मतलब मार्केट एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड भी मैंने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शेयर कर दिया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, किसी अगली लोकेशन पे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।